के कंझावला कांड ने पूरे देश को चौंका दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, मां बेसुध है और लोगों में आक्रोश है। वही मंगलवार को मृतक युवती का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद मृतका के मामा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मौत घसीटे जाने की वजह से हुई है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मृतक युवती के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में अस्पताल से उसके आवास ले जाया गया, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पीड़िता के परिजनों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई है। ये 302 का मामला है और पांचों लोगों को जो है फांसी की सज़ा हो, ये मैं भारत सरकार से, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी से, 130 करोड़ लोगों के दिल में आज यही चल रहा है। दिल्ली दहलती है मैडम, तो पूरा हिंदुस्तान दहलता है। वहीं मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता की माँ से फोन पर बात की है। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही मृतक लड़की की माँ का पूरा इलाज करवाने का भी आश्वासन दिया है। अगर वो शिकायतें दर्ज नहीं करेंगे, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करेंगे, अगर वो दिल्ली की बेटियों का बचाव नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हमें पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाई स्पीड पर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस अफसर पाए जाएंगे गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, या जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, या आरोपियों को जिन्होंने डिफेंड किया है, तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि कंझावला केस में कार में सवार 5 लोगों पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 5 आरोपियों को सोमवार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।